देखो इसमें जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड क्या होती है करेक्टरिस्टिक्स। उससे पहले आपने नोट कर लिया कि रिवर्स बायसिंग में करंट बहुत छोटा होता है और किस में मेजर किया जाता है, इन माइक्रो एम्पियर, और जो फॉरवर्ड बायसिंग में उसमें करंट नॉर्मल ठीक होता है, किस में मेजर किया जाता है, इन मिली एम्पियर, ये याद रखना ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं करेक्टरिस्टिक्स की, करेक्टरिस्टिक्स सुनने में लगता है कि पता नहीं क्या उसकी थ्योरी की प्रॉपर्टीज लिखनी है करेक्टरिस्टिक्स में, ऐसा कुछ नहीं है। इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स का मतलब होता है ग्राफ बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, सिंपल। करेक्टरिस्टिक्स का मतलब है कि आई और वी के ग्राफ को करेक्टरिस्टिक्स बोलते हैं, सिंपल। हमने बायसिंग कितने टाइप की, दो, एक की फॉरवर्ड बायसिंग एक की रिवर्स बायसिंग। हम क्या करने वाले हैं, पहले फॉरवर्ड बायसिंग लेंगे। फॉरवर्ड बायसिंग में मैंने वोल्टेज लगाई, वोल्टेज में कितनी कितनी वी की वैल्यू रखी और वी को मैं चेंज करूंगा, बैटरी की वोल्टेज को चेंज करूंगा और देखूंगा कि फॉरवर्ड करंट कैसे चेंज होता है। तो अगर मैं ग्राफ प्लॉट करूं करंट और वोल्टेज का, वो फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक है। और ऐसे रिवर्स बायसिंग में मैं ये देखूंगा कि बैटरी की वोल्टेज को मैं चेंज करूंगा फिर से, और जंक्शन के अक्रॉस माइनॉरिटी करंट, मेजॉरिटी तो होता ही नहीं, माइनॉरिटी करंट कैसे चेंज होता है, तो वो रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स है। तो इंपॉर्टेंट है फॉरवर्ड एंड रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स, इसमें ग्राफ इंपॉर्टेंट है। पहले फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स, फॉरवर्ड करेक्टरिस्टिक्स में वैल्यूज याद करने की जरूरत नहीं है, बस ये याद रखो वाई एक्सिस में कौन सा करंट है, फॉरवर्ड करंट है, और फॉरवर्ड करंट किस में मेजर किया जाता है, इन मिली एम्पियर, मैं लिखवा दिया लिखवाया मिली एम्पियर, और ये वोल्टेज है। तो आप ये नोट करेंगे कि जब आप बैटरी की वोल्टेज को हल्का सा बढ़ाएंगे 0.1 वोल्ट 0.2 वोल्ट, तो मैं जो जो आपका फॉरवर्ड करंट है वो बढ़ेगा, वो बढ़ता है। हमने डिस्कस किया आप वोल्टेज को बढ़ाएंगे फॉरवर्ड वोल्टेज, और ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं होती, हल्का सा बढ़ाएंगे तो भी फॉरवर्ड करंट काफ़ी बढ़ जाता है। आप बैटरी की वोल्टेज को और बढ़ाएं, बैटरी की वोल्टेज को क्या बोलते हैं, फॉरवर्ड बायस्ड वोल्टेज, और बढ़ाएं फॉरवर्ड करंट और बढ़ेगा। अब होगा क्या, ये इसका जब आप बैटरी की वोल्टेज को बढ़ाते हैं इसका अफेक्ट किस पे आता है, मेजोरिटी कैरियर पे, वो डोपेंट है जो डाल रखे हैं इलेक्ट्रॉन होल्स वहीं उनके ऊपर है। पर होता क्या है, एक ऐसी वोल्टेज आ जाती है 0.7 वोल्ट नॉर्मली, कि जब आप इस वोल्टेज को क्रॉस करते हैं तो अभी तो सिलिकॉन के बॉन्ड बिल्कुल आराम से बैठे हुए थे, उनको भी एनर्जी मिल जाती है और वो टूट जाते हैं। अभी तो सारी एनर्जी किसको मिल रही थी, वो फ्री चार्ज कैरियर को, इलेक्ट्रॉन्स इन एन रीजन और होल्स इन पी रीजन, जो कि सिलिकॉन के नहीं थे, जो कि वो डोपेंट की वजह से थे। अभी क्या है, जब आप ज़्यादा ही वोल्टेज कर दोगे अब एनर्जी किसको मिलनी हो स्टार्ट हो जाएगी, सिलिकॉन के बॉन्ड्स को, सेमीकंडक्टर के बॉन्ड्स को, वो भी टूट जाएंगे एनर्जी लेके, और उसमें जो फ्री चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन और होल रिलीज हो जाएंगे और वो भी जंक्शन की तरफ भागना स्टार्ट कर देंगे, तो करंट आपका एकदम क्या हो जाएगा, शार्प इंक्रीज शो करेगा। तो पहले तो करंट जो था वो तो फॉरवर्ड करंट था ही था, लेकिन अब और बॉन्ड टूटने की वजह से क्या हो गया, चार्ज कैरियर और फ्री हो गए, करंट और बढ़ जाएगा। तो ये करेक्टरिस्टिक्स शो की जाती हैं, ठीक है, वेरिएशन अंदाजे से याद करनी है। एक खास वोल्टेज 0.7 वोल्ट जैसे जिसके ऊपर एकदम करंट बढ़ जाता है फॉरवर्ड करंट, उस वोल्टेज को बोलते हैं नी वोल्टेज, बॉक्स में डालो, दिस इज नोन एज नी वोल्टेज, इसको बॉक्स में डालो। तो नी वोल्टेज वो फॉरवर्ड वोल्टेज है बैटरी की, नी वोल्टेज फॉरवर्ड बायसिंग में यूज होती है, फॉरवर्ड बायसिंग में बैटरी की वो वोल्टेज है जब करंट एकदम इंक्रीज हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, ठीक है यहां तक। उसी तरीके से मैंने बता दिया ये इट इज फॉरवर्ड बायस वोल्टेज, ये रिवर्स बायसिंग में यूज नहीं होती, ये फॉरवर्ड वोल्टेज है। फॉरवर्ड वोल्टेज का मतलब है कि जो बैटरी की जो वोल्टेज फॉरवर्ड वोल्टेज है, बियॉन्ड विच द करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट्स इंक्रीजिंग रेपिडली विद वोल्टेज, तो ये नी वोल्टेज है। अब नेक्स्ट है रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स, ये कुछ नहीं पढ़ना आपको, रिवर्स करेक्टरिस्टिक्स में याद रखना जो ग्राफ बनेगा उसका क्वाड्रेंट क्या होगा। देखो ये आपका करंट है और ये आपकी वोल्टेज है, ठीक है, तो आपने फॉरवर्ड जो करेक्टरिस्टिक्स है यहां ड्रॉ की थी, फॉरवर्ड वोल्टेज फॉरवर्ड करंट। जो रिवर्स बायसिंग है उसमें वोल्टेज भी उल्टी है और करंट भी उल्टा है, तो आपका क्वाड्रेंट ये बनेगा, चौथा तीसरा क्वाड्रेंट। तो इसके अंदर एक्चुअल में ग्राफ तो ऐसा बनता है, ना के बराबर करंट है ना के बराबर माइनॉरिटी करंट, ठीक, ये बनता है। माइनॉरिटी करंट तो कुछ भी नहीं होता, इसने हालांकि काफी मैग्निफाई करके बनाया तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बहुत बड़ा करंट हो गया, लेकिन एक्चुअल में इसके साथ इस एक्सिस के साथ ही है। तो आप जब बनाएंगे तो थोड़ा थोड़ा अलग, थोड़ा क्लोज रखना इसको एक्सिस की, ठीक
ठीक, तो ये करंट है। तो आप जब वोल्टेज बढ़ाते हैं बैटरी की, रिवर्स बायसिंग करते हैं, तो मेजोरिटी कैरियर दूर भागते हैं जंक्शन से, जंक्शन की तरफ तो जाते ही नहीं, पर इक्का दुक्का माइनॉरिटी कैरियर भागते हैं, तो जिस वजह से ये थोड़ा सा करंट पैदा होता है, माइनॉरिटी करंट हो गया पैदा। आपने रिवर्स बायसिंग और बढ़ा दी, बैटरी की रिवर्स वोल्टेज और बढ़ा दी, अब मेजोरिटी कैरियर तो पहले भी जाने को तैयार नहीं है, वो तो पहले दूर भाग गए, माइनॉरिटी कैरियर तो जा ही रहे, पहले भी जा रहे थे। आपने जब वोल्टेज बढ़ाई ना, तो अब क्या हुआ, सिलिकॉन के बॉन्ड भी टूट गए, कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दिया आपने रिवर्स। अब यहाँ से फ्री चार्ज कैरियर हो गए, जैसे पी रीजन में बॉन्ड टूट गए कुछ सिलिकॉन के, एन रीजन में टूट गए, तो पी रीजन में इलेक्ट्रॉन पैदा हो गए, निकल गए उसमें से, और एन रीजन में होल निकला है मान लो, तो अब वो चार्ज कैरियर जो है चाहे वो माइनॉरिटी है, जंक्शन की तरफ भागेंगे, तो करंट आपका ड्रास्टिकली जबरदस्त बिल्कुल सीधा इंक्रीज हो जाएगा। अब देखो इतना जबरदस्त वेरिएशन है, वोल्टेज उसके बाद जितनी मर्जी बढ़ा लो कोई चक्कर नहीं, करंट ने इसी वोल्टेज पे इंक्रीज होता जाना है। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शुरू शुरू में आपने रिवर्स वोल्टेज काफ़ी थोड़ी रखी थी, काफ़ी कम थी, तो जिस वजह से जब आपकी वोल्टेज काफ़ी कम थी, -1, -2, -3 वोल्ट, तब तक तो चलो जो उसमें प्रेजेंट माइनॉरिटी कैरियर थे वही क्रॉस कर रहे थे, लीकेज करंट था, बहुत नामात्र करंट था। पर जब आपने वोल्टेज कुछ ज़्यादा ही बढ़ा दी तो करंट ड्रास्टिकली जबरदस्त इंक्रीज हो गया, क्योंकि उसमें बॉन्ड टूट गए बहुत ज़्यादा, लाखों में बॉन्ड टूटते हैं, और जिससे कि फ्री चार्ज कैरियर जंक्शन की तरफ भागना स्टार्ट हो गए, तो करंट बढ़ गया। अब इसका मेन पर्पस ख़त्म हो गया। रिवर्स बायसिंग में इसकी एक खास पहचान थी डायोड की, कि ये जंक्शन के क्रॉस करंट को नहीं जाने देता, मेजोरिटी करंट को जाने नहीं देता। अब ये पहचान खत्म हो गई, तो अब ये क्या हो गया, ये हम बोलते हैं खराब हो गया, क्योंकि इसका काम था करंट को रोक के रखने का, तो इसने करंट को, ये खुद ही टूट गया, इसके खुद ही इतने बॉन्ड टूट गए कि करंट ही इसने शार्प इंक्रीज कर दिया। तो इसलिए इस वोल्टेज को जब करंट ड्रास्टिक इंक्रीज होता है, इसको बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज, कभी कभी ब्रेकडाउन वोल्टेज, और कभी कभी इसका दूसरा नाम है जीनर वोल्टेज, ब्रेकडाउन या जीनर वोल्टेज। क्या ये पॉइंट क्लियर है, होता इसमें भी है, पर अब ये हम बोलते हैं कि डायोड खराब हो गया, अब ये काम नहीं करने वाला, क्योंकि इसका काम था करंट को रोके रखने का, इसने करंट को रोका ही नहीं, इसने तो खुद ही उल्टा अपने बॉन्ड तोड़ के इसने करंट को इंक्रीज करवा दिया। मैंने ये बताया रिवर्स बायसिंग में मेजोरिटी कैरियर दूर भाग जाते हैं, डिप्लीशन लेयर मोटी हो जाती है, जो इक्का दुक्का माइनॉरिटी कैरियर है, पी में इलेक्ट्रॉन, एन में होल, वो भागते हैं, बहुत कम होते हैं, तो बहुत कम करंट है, करंट तो बिल्कुल ही नामात्र है। लेकिन जब आप रिवर्स बायसिंग और करते हो, बैटरी की वोल्टेज अननेसेसरी बढ़ा रहे हो, अब सिलिकॉन को भी एनर्जी मिल गई ना, बॉन्ड्स को, कोवलेंट बॉन्ड्स के टूट गए, अब टूट गए तो वो कहाँ जाएंगे इलेक्ट्रॉन, जंक्शन को क्रॉस करेंगे, और हम ये चाहते हैं जंक्शन को क्रॉस ना करें, हम ये चाहते हैं कि करंट को ब्लॉक करके रखें, वो तो उल्टा कुछ ज़्यादा ही करंट पास कर गया, तो वो ब्रेकडाउन हो गया। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, और ब्रेकडाउन रीजन भी बोलते हैं। तो ये लिखा हुआ है इसमें कि इफ रिवर्स बायस वोल्टेज इज, इसमें ऐसे करेंगे, बस ये अंडरलाइन कर लो, ब्रेकडाउन वोल्टेज या जीनर वोल्टेज, मतलब मैंने आपको समझाई दिया। तो इसके अंदर करेक्टरिस्टिक्स मैंने बना दी, आई वी करेक्टरिस्टिक्स इकट्ठी, ये फॉरवर्ड बायसिंग की और ये रिवर्स बायसिंग की है, तो ये आपको पता होना चाहिए। और ऐसे ही इसी के अंदर डायनेमिक रेजिस्टेंस क्या होती है, डायनेमिक रेजिस्टेंस है, आप कोई मर्जी बायसिंग लो, चाहे फॉरवर्ड लो चाहे रिवर्स लो, आप बैटरी की वोल्टेज को कम ज़्यादा कर रहे हो, जैसे आप बैटरी की वोल्टेज को 1 वोल्ट से 2 वोल्ट कर रहे हो ताकि स्टडी कर सको करंट कितना चेंज हुआ, तो आपने कितना बैटरी की वोल्टेज को चेंज किया और जंक्शन पे कितना करंट चेंज हुआ, उसकी रेशियो को बोलते हैं डायनेमिक रेजिस्टेंस, तो डेल्टा वी बाय डेल्टा आई।